नमस्कार दोस्तों, आपको ग्रीन प्लांट में स्वागत है। आज हम आपको गुलदाउदी प्लांट का ग्राफ गुलदाउदी का कटिंग लगाना बताएंगे, कैसे लगाते हैं, कैसे केयर किया जाता है इसका। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए जो प्लांट है, मदर प्लांट है, इसमें से हम कटिंग काट लेंगे। ये देखिए यहाँ से कटिंग इसका तोड़ लेते हैं। ये देखिए कटिंग तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको लगाते हैं। चलिए इसका मिट्टी देख लेते हैं। ये देखिए मिट्टी है, ये गार्डन सोल 50% बजड़ी इसमें डाले हैं। ये देखिए, तो इसे हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए इसे ठीक तरह से मिला लेंगे। देखिए इसे चेक कर लेंगे, यहाँ छेदा कर लेंगे। ठीक है, जो हमने कटिंग ली है वो ऐसे कर देखिए, यहाँ ऐसे लगा लेंगे, इसे यहाँ लगा लेंगे। इसमें भारत में इसमें लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। और ये देखिए इसे साफ कर लेते हैं। भारत में 20 प्रकार की प्रजातियां हैं। पूरे चीन में इसका 100 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। हो गई, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देंगे। ये देखिए ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए डाल देंगे, इसका ज़्यादा केयर का ज़रूरत नहीं पड़ता। इसमें कंपोस्ट आप ज़्यादा न देने के भी गोबर दे दीजिए, और वहीं गोबर खाद इसमें ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, अब एक महीने बाद इसका अप टू डेट हम दिखाएंगे आपको कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों, एक महीना बीत गए हैं, अब इसका हमें देखने की बात आ रही है कि एक इसका जड़ कैसा है, इसका जड़ निकला है, प्रोग्रेस किया, ग्रोथ किया कि नहीं किया, वो हम देख लेते हैं। अब इसका जड़ हम दिखाते हैं आप। अब देखिए इसका जड़ ग्रोथ किया है कि नहीं किया। देखिए इसको जरा सा मिट्टी हटा लीजिए, इसमें ये जड़ देखिए ये है जड़ इसका। ये देखिए कटिंग से ग्रोथ कर गया है। देखिए जड़ देख रहे हैं ये कितना जल्दी है ग्रोथ करता है। हम फिर से इसे यहाँ पे लगा देते हैं। इसमें भी देख लेते हैं इसका जड़ कैसा है। ये देखिए आराम से इसे निकाले आप लोग। ये देखिए कटिंग है कितना ग्रो किया है। फिर
इसे हम यहीं लगा देते हैं इसे। ये देखिए आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये आपका मार्च में, हाँ मार्च में ठंडे के दिन में ये फूल देने वाला पौधा है, ठंडे के दिन में आपको ये फूल देगी। ठीक है दोस्तों, तो मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना पसंद है आपको तो लाइक करिए। धन्यवाद।